3.4 अपडेट के अंदर भाई सब काफी ज्यादा न्यू फीचर और न्यू अमेजिंग पावर्स आई है। तो यार इसी के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला, बट उससे पहले आप लोग यहाँ पे देखो स्पॉन आइलैंड कुछ इस तरह का दिखने वाला है और यहाँ पे एक्सक्लूसिव जो इमोट होता है, जो डांस होता है स्पॉन आइलैंड का, वो यार कुछ इस तरह का दिखने वाला है। 3.4 अपडेट के अंदर जो नया मोड आया ब्लड मून अवेकिंग, अगर मैं सही नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो भाई यार देखो ये जो मोड है ना भाई यार तीन मैप के अंदर देखने को मिलेगा आप लोगों को, इरंगल लिविक और सेनोक के अंदर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। जैसे ही आप लोग प्लेन के अंदर बैठोगे तो प्लेन का एनिमेशन कुछ इस तरह का होने वाला है एकदम। यहाँ पे भैया कुछ इस तरह से ना बैट बहुत सारी उड़ती हुई आएगी और भाई एकदम मतलब है ना जो प्लेन है ना प्लेन एकदम डगमगाएगा, जो कि यार देखने में काफी ज्यादा कूल टाइप है। इरिंगल के अंदर 6 न्यू लोकेशन ऐड हुई है जिसमें दो है रेड कलर की, जो कि स्टाल बार और कोरी के ऊपर जो दो रेड कलर का देखने को मिलता है उनका नाम है भैया क्रिमसन कासल, ठीक है। और बाकी तो भैया आप लोगों को जो 4 न्यू लोकेशन देखने को मिलती है उनका नाम है वुल्फ सेटलमेंट। अब पता नहीं भैया क्या सेटलमेंट है बट कोई दिक्कत नहीं, मैं आप लोगों को दोनों चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलो यार पहले देख लेते क्रिमसन कासल के अंदर क्या क्या चीजें, कौन कौन सी पावर्स है। जिसे आप लोग यहाँ पे क्रिमसन कासल के ऊपर आप लोग लैंडिंग करोगे तो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए एकदम मौसम चेंज होकर एकदम मौसम वापस से सही हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखना, बहुत ज्यादा बंदे आने वाले तो आप लोग यहाँ पे कोनों में उतरना। और कासल के अंदर बहुत ज्यादा जगहों पे यहाँ पे ताबूत देखने को मिलेगा, आप लोग ये ताबूत के अंदर एंटर कर सकते हो। और हाँ एक यहाँ पे खास कर ध्यान रखना होगा, ये ताबूत के अंदर आप लोग ज्यादा सेफ नहीं रह पाओगे, बट एक चीज और है कि यहाँ पे कोई ताबूत को अगर एनिमी खोलने का ट्राई करेगा तो नहीं खोल सकते। और अगर कोई भी एनिमी इसके ऊपर फायर करेगा तो भैया काफी ज्यादा इजीली ये जो है ना ताबूत ब्रेक हो जाएगा और आप लोग एक्सपोज हो जाओगे। तो यार इसको है ना संभल के यूज करना आप लोग। मेन क्रिमसन कासल के अंदर जैसे ही आप लोग आओगे तो यहाँ पर आप लोगों को दो नए फीचर देखने को मिलेंगे, बट उससे पहले एक नया फीचर है जो कि है चेस्ट। अब यार ये चेस्ट आप लोगों को लूटना है, जैसे ही आप लोग ये चेस्ट को ओपन करोगे इसको लूटोगे तो भैया आप लोगों को दो नए फीचर देखने को मिलेगा। वो क्या फीचर है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बट उससे पहले ये चेस्ट ओपन करोगे तो इसके अंदर से आप लोगों को सीक्रेट पावर देखने को मिलेगी। चेस्ट को ओपन करते ही भैया यहाँ पर ना आप लोगों को मैप के अंदर एक चेयर देखने को मिलेगा जो कि है ड्रैकुला बॉस की, ठीक है। तो ये चेयर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, बट उससे पहले पे देखो इसके अंदर से बहुत सारी है ना आप लोगों को सीक्रेट्स पावर देखने को मिल रही है। इनके बारे में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, बट आप लोग रिकॉल वाला सिस्टम जो है ना पिछले अपडेट में जो दो अपडेट अलादीन और ओशन ओडेसी में जो वर्क कर रहा वैसे ही तीन रिकॉल मिल रहे हैं आप लोगों को। अगर आपके टीममेट के पास एक रिकॉल बचा और वो मर चुका है, ठीक है, तो आप लोग ये चेयर के पास आके ओपन क्लिक करते ही आपका टीममेट क्रिमसन कासल के अंदर यहाँ पे रिकॉल हो जाएगा। अब ये जो दूसरा फीचर देखने को मिल रहा है वो भी काफी ज्यादा कूल एंड अमेजिंग फीचर है। वो फीचर ये है कि भैया आपका टीममेट मान लो इरिंगल मैप के अंदर कहीं पर भी हो सिवाय क्रिमसन कासल, मतलब क्रिमसन कासल के अंदर आपका टीममेट ना हो, दोनों कासल के अंदर ना हो, बट कहीं पर भी रेंडम जगह पे हो, ठीक है। तो आप लोग ये चेयर के पास जाके जैसे ही ओपन वाला बटन दबाओगे तब यार आपका टीममेट कहीं पर भी हो उसके पास एक पॉपअप जाएगा कि सम्मनिंग यू, जो आपका नाम रहेगा नाम आएगा और सम्मनिंग आएगा। जैसे ही आप लोग एक्सेप्ट करोगे दो तीन सेकंड का टाइमर होगा, लोडिंग स्क्रीन लेगा और आप लोग कहीं पर भी हो इरिंगल मैप के अंदर तुरंत आप लोग टेलीपोर्ट मार के ना यहाँ पर जो अंदर ताबूत पड़े रहते ताबूत के अंदर टेलीपोर्ट कर जाओगे। कासल के अंदर आप लोग भी कुछ इस तरह से ना भैया जादुई एंट्री मार सकते हो। वो कैसे उतो देखो यार, उसके लिए आप लोगों को ना कासल के बिल्कुल साइड में नीचे की तरफ आना होगा। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पर आओगे तो बाहर की तरफ आप लोगों को कुछ पोर्टल देखने को मिलेगी। अब यार ये जो पोर्टल है ना ये पोर्टल आपको डायरेक्ट कासल के अंदर ले जाएगी। अब देखो अगर मान लो गलती से आप लोग कासल के बाहर लैंडिंग कर जाते तो यहाँ पे देखो चार जो लोकेशन देखने को मिली, 1 2 3 4, यहाँ पर चारों पे ना आप लोगों को ये पोर्टल देखने को मिले। जब भी अगर आप लोग गलती से बाहर की तरफ लैंडिंग कर जाओगे तो आप लोग है ना ये जो पोर्टल ना पोर्टल का यूज करके आप लोग काफी ज्यादा इजिली फटा पर टेलीपोर्ट हो सकते हो कासल के अंदर। अगर आपको भी कासल में गन नहीं मिलता तो ये डब्बे लूट के गन ले सकते हो। और हाँ यहाँ पर एक और काफी ज्यादा तगड़ा फीचर है, लोकेशन आप लोग देख लो एग्जैक्टली इसी लोकेशन के ऊपर यहाँ पर भाई यार आप लोगों को ना एक अमेजिंग चीज देखने को मिलेगी जो कि यार काफी ज्यादा कूल चीज है। मतलब ये जो है ना भाई यार आपको पता है हेड्रो जो क्रेन आती है ना क्रेन का डोली लटका दिया इन लोगों ने इधर, तो भैया अगर आप लोगों को भी झूले खाने का मन है भैया एकदम मन चंचल होता है मेरी तरह, तो भैया बिल्कुल यहाँ पर आके आप लोग झूला खा सकते हो, ऊपर नीचे जा सकते हो। बाकी जो इसका जो यूज है ना भैया आप लोग एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जा सकते हो तो इसके लिए रखा, बट यार कितना मतलब ज्यादा टाइम ले रही है यहाँ पे, तो एनिमी इजीली आपको उतार देंगे तो इतना तो कोई नहीं, डायरेक्ट बंदे तो ऊपर नीचे कूदेंगे सीधा। अब ये मैं आपको बताने वाला हूँ जो नया व्हीकल ऐड हुआ है घोड़ा। अब देखो ये जो घोड़ा है ना आपको कासल के दोनों एंट्रेंस पे देखने को मिल जाएगा, एक मेन घोड़ा जो नॉर्मल घोड़ा होता है और एक होता है इन्फेक्टेड। अब इन दोनों में से दोनों का अलग अलग एबिलिटी क्या है, कौन सा घोड़ा बेस्ट है, वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। कासल के दोनों एंट्रेंस पे घोड़ा मिल जाएगा। अब देखो घोड़े के अंदर एक क्या है कि आप घोड़े को भगा रहे हो, ठीक है, भगाते भगाते आप लोग एक स्पीड यहाँ पे अचीव कर चुके हो और एकदम जैसे ही गन के ऊपर क्लिक करोगे ये राइडिंग मोड के अंदर चला जाएगा। अब ये राइडिंग मोड क्या है, राइडिंग मोड ये कि आप जिस टाइम घोड़े को जिस स्पीड से भगा रहे हो जैसे ही गन पे क्लिक करोगे तो एट द सेम टाइम उसी
स्पीड से भगता रहेगा और आप गन यूज कर सकते हो और वो भी अपने आप। ठीक है, अब दूसरे जो फीचर है घोड़े के अंदर, देखो नॉर्मल वाला घोड़ा है ना, जैसे ही आप लोग इसके ऊपर जंप करोगे तो एक सिंगल जंप लेगा, ठीक है, सिंगल टाइम जंप लेगा। वही अगर आप लोग लाल वाले घोड़े इन्फेक्टेड घोड़े को करोगे तो डबल जंप लेगा। देखो आप लोग डबल जंप ले सकते हो इस वाले घोड़े से और दोनों ही घोड़ों को आप लोग फीड करा सकते हो। जैसे फीड करोगे तो भाई यार इनका फ्यूल बढ़ेगा। एक और जो अमेजिंग फीचर है यार, आपका टीममेट कोई भी घोड़ा चला रहा है और आपके पास भी घोड़ा, या फिर आपका टीममेट कोई गाड़ी चला रहा है बट आपके पास घोड़ा होना चाहिए, तो ना आप लोगों को फॉलो वाला बटन देखने को मिलेगा। तो जैसे ही आप लोग फॉलो वाले बटन को क्लिक करोगे तो आपके टीममेट को घोड़ा फॉलो करेगा, चाहे आपका टीममेट पैदल हो या घोड़े पे हो या गाड़ी के अंदर हो, बट आपके पास घोड़ा होना चाहिए और आप है ना वो घोड़े के ऊपर राइडिंग मोड में होने चाहिए, मतलब राइड करते हुए होने चाहिए, तब ये फॉलो वाला बटन आपको देखने को मिलेगा। एक और जो काफी ज्यादा अमेजिंग और यूजफुल कूल फीचर है, एक बार अगर आप घोड़े के ऊपर बैठ जाते हो, ठीक है, तो आप लोग घोड़े से 50 मीटर दूरी के ऊपर जाते हो तो आप लोगों को जहाँ पे ग्रेनेड मोली वगैरह जहाँ पे यूज करते हो वहां पर एक घोड़े का सीटी वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, बांसुरी वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे ही आप लोग सीटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो भाई यार घोड़ा जो है ना आपके पास दौड़ के आ जाएगा। याद रखना 50 मीटर की दूरी तक ही वर्क करता है। अब ये जो चीज है ना, आप लोग एनिमी से जब फाइट ले रहे हो और आपका घोड़ा आपसे थोड़ा सा दूर और आपको निकलना है कि भैया सिचुएशन ऐसी हो रखी कि भैया निकलना मुझे यहाँ से, तो आप लोग घोड़े को सीटी मार के बुला सकते हो और आप फट से निकल सकते हो। एक और फीचर है कि अगर मान लो घोड़े के ऊपर आप बैठे और कोई एनिमी आपको मार रहा है या फिर घोड़े को मार रहा है, तो देखो अगर आपको कोई बंदा मार रहा है तो आपको डैमेज होगा, अगर घोड़े को कोई बंदा मार रहा है तो आपको 1% तक का डैमेज नहीं होगा, अगर आपको मारेगा तो आपको डैमेज होगा। और हाँ, घोड़े को भी आप लोग है ना लाइक जैसे गाड़ी को ब्लास्ट करते हैं, गाड़ी को गायब करते ना, वैसे अगर आप लोग घोड़े के ऊपर लगातार फायर करते रहोगे तो भैया घोड़ा भी एक टाइम पे ना इनविजिबल हो जाएगा, गायब हो जाएगा, किसी भी यूज का नहीं रहेगा। इस मोड की दो मेन पावर बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ब्लड ओथ एक्सट्रेट नाम का जो इंजेक्शन है, ग्रेनेड की जगह आप लोग यूज करोगे तब आप लोग कुछ इस तरह से वेम्पायर बन सकते हो और ये जो है ना आपको कासल के अंदर बॉक्स के अंदर और आप लोगों को इवेंट के हर एक जगह पे देखने को मिल जाएगा। और इसका जो है ना आप लोग ऐसे जो फायर वाला जो नॉर्मल होता है ना, 3-4 गोले मारोगे तो आप लोग है ना एनिमी को 3-4 गोलों के अंदर मार सकते हो और इस रेड स्मोक के अंदर एनिमी है ना भैया हेल्थ वगैरह नहीं लगा सकता। और एक जो सबसे ज्यादा कूल फीचर है भैया, आप लोग ऐसे कुछ डैश मार के मारोगे तो आप लोग एनिमी को भी काफी किल कर सकते हो, बट ये जो डेस है ना डेस आपको 2 बार मारना पड़ेगा। एक काफी ज्यादा अमेजिंग कूल फीचर ये है कि भैया इसका जो है ना भैया 14 सेकंड बाद आप लोग वापस से इसको यूज कर सकते हो। एक बार इंजेक्शन लगा के रखते हो, जब तक आप लोग दूसरा भेड़िया वाला यूज नहीं करते तब तक ये इंजेक्शन वाला पावर गायब नहीं होने वाला है। और इसको कुछ है ना इस तरह से डेस मार मार के भी आप लोग उड़ सकते हो। अगर आपको ऊपर जाना तो आपको क्या करना, जो ऊपर वाला बटन है ना ऊपर लेके एकदम स्लाइड करना ऊपर की तरफ स्प्रिंट को, तो एकदम है ना ये ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे कि आपको ऊपर लेके एकदम स्लाइड करना है। याद रखना इसको जब तक आप लोग दूसरा पावर यूज ना कर पाओगे भेड़िया वाला सुइया, तब तक ये सुइया काम करने वाला है परी वाला, ठीक है। अब जो दूसरा जो मेन इंपोर्टेंट पावर है वो है भैया वुल्फ सेल। लिटरली बता रहा हूँ, इससे क्या होगा ना, इस इंजेक्शन से आप लोग भेड़िया बन सकते हो, सेम प्रोसेस हो ही रहने वाला है, ग्रेनेड की जगह ये आएगा, वहां से आप लोग यूज कर सकते हो, अदरवाइज इन्वेंटरी से भी यूज कर सकते हो। अब इसका जो है ना लिटरली सबसे ज्यादा यूनिक पावर वो है भैया भागने वाला। तो आप लोग जैसे ऐसे भगते रहोगे, अगर मान लो कोई एनिमी आपके ऊपर फायर करता है तब आप लोग ये राइट लेफ्ट वाले जो हल्के हल्के डैश या जंप टाइप आप लोग बोल सकते हो, इनको आप लोग यूज कर सकते हो और उनकी बुलेट्स को ना आप लोग डोज कर सकते हो, उनकी बुलेट से बच सकते हो। अब ये इसका सुपर एबिलिटी, अगर आप लोग इसका सुपर एबिलिटी यूज कर लोगे तो यहाँ पे देखो नीचे कुछ टाइमर देखने को मिल रहा है, हार्ट जैसा कुछ तो आ रहा है, ठीक है, तो इससे ना आप लोग स्पीड से भाग सकते हो। और हाँ, इसका जो काफी ज्यादा यूनिक एबिलिटी भैया, आप लोग दीवार पे चढ़ सकते हो और यहाँ पे जो स्टेमिना आ रहा ना, स्टेमिना जैसे ही लो होगा भैया आप लोग नीचे गिर जाओगे। ध्यान रखना यार, जब भी आप लोग कोई दीवार के ऊपर चढ़ो तब स्टेमिना फुल होना चाहिए, बाकी तो यार ये जो पावर है ना अटैकिंग वाला इसलिए तो काफी ज्यादा घटिया पावर है, ये तो आप लोग यूज ही मत करना। अगले जो चेंजेस हुआ वो यार सोप के ऊपर हुआ। तो जैसे सोप पे जाओगे यहाँ पे डब्बा आएगा एक चेरी डांस वाला, ठीक है, तो जैसे इस पे करोगे तो आप लोगों को ना यहाँ पे कुछ तो ये डांस वगैरह करेगा और आपको फ्री में लूट देखने को देगा, मतलब फ्री में आपको ड्रिंक वगैरह देगा, पेप्सी वगैरह। और एक जो है 30 टोकन के अंदर आप लोगों को यहाँ पे ना स्ट्रेंथ पॉइजन मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो दोनों है ना आप लोगों के पास जो आता ना भैया भेड़िया बनने का पावर और परी बनने का पावर, दोनों के दोनों इंजेक्शन के ऊपर वर्क करता है। और ये जो भेड़िया वाला सुइया और परी वाला सुइया दोनों के दोनों ना सोप के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो देखो जैसे ही वो इंजेक्शन है ना ऑटोमेटिक लग जाता परचेस करते, और यहाँ पे स्क्रीन के नीचे की तरफ देखो यहाँ पर आप लोग जैसे कि देख ही सकते हो यहाँ पे ये नया कुछ फीचर आया। अब यहाँ पर देखो वो जो है ना नॉर्मल वाला परी बन के उड़ रहा है और मैंने ना यहाँ पे ये स्ट्रेंथ पॉइजन लगा के उड़ रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे स्पीड में भी कितना ज्यादा यहाँ पे फर्क आ चुका, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो।
तो यार जब भी आप लोग मैच खेल रहे होंगे ना, मैच के बीच में से आपको एक ऊपर नोटिफिकेशन दिखेगा, द ब्लड क्लैन चेस्ट लोकेशन हैज बीन मार्क ऑन द मैप। मतलब इसका कहने का मैप के अंदर एक लोकेशन मार्क हुई है, क्योंकि ये भैया एकदम चेस्ट है भैया ब्लड की, ठीक है। तो आप मैप के अंदर देखोगे तो आप लोगों को लोकेशन दिखेगा, उस लोकेशन पे आते आप लोगों को यहाँ पे टोटल यहाँ पे एक सुइया जैसा दिखेगा, ठीक है। तो आप इधर का ओपन करोगे 2 मिनट टाइमर लेगा, 2 या 3 मिनट ले सकता है, ठीक है। तो ये जैसे टाइमर देखो मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया, इसको आप लोग ओपन करोगे तो इसके अंदर से लूट देखने को मिलेगा, और ये जो छोटा सा मिनी मैप देखने को मिल रहा है, मिनी मैप में जो सर्कल देखने को मिल रहा है, पूरे के पूरे जितने भी इस एरिया में बंदे रहेंगे तो ऊपर दिखाएंगे प्लेयर इन एरिया, ठीक है। तो आपको पता चलेगा इस एरिया में टोटल कितने बंदे हैं भैया। और यार ये चेस्ट लूटोगे तो लिटरली यार बहुत सारी अच्छी खासी लूट देखने को मिलेगी, तो यार जरूर से जाके इस चेस्ट को लूटना। अगले जो फीचर है ना भाई यार, वो आप लोग 500 मीटर के एरिया में आप लोग आओगे तो यहाँ पर आप लोग को स्टेचू वाला ऑप्शन दिखाएगा, ठीक है। स्टेचू वाले ऑप्शन के पास जाके जैसे आप लोग यहाँ पे ओपन वाले पे क्लिक करो, तब इसके अंदर से कुछ चमत्कारी शक्ति आएगी और शक्ति चारों तरफ बिखर जाएगी। अब यहाँ पर क्या होता है ना, एक छोटे छोटे संदूक आप लोगों को दे दिए जाएंगे, ये संदूक जाके आप लोग ओपन करोगे तब यार इसके अंदर से ना आप लोगों को लूट देखने को मिलेगी अच्छी खासी। और हाँ, इनके अंदर से एक स्पेशल कॉइन भी देखने को मिलेगा, जो कि अपना बीजेएमआई के अंदर इवेंट वगैरह आएंगे, कुछ फ्री आउटफिट वगैरह आएगी, तो वो चीज आप ले सकते हो। तो यार जब भी ये चीज आप लोग देखो ना, तब आप लोग जरूर जाके ओपन करना। और हाँ, यहाँ पर एक शैतान कहीं का डब्बा भी आएगा, जो कि यार आप लोगों के हाथों से निकल के भगने का ट्राई करेगा, तो आप लोगों को ना उसको भी मारना है। अगला यार जो फीचर है ना, लिटरली भाई साहब इसके अंदर बहुत सारे फीचर है, जो कि है वुल्फ सेटलमेंट लोकेशन। जैसे इस पे आओगे तो सेम वही वाला रहने वाला है कि भाई थोड़ा सा मौसम खराब होएगा और फिर एकदम सही हो जाएगा। अब यार इसके अंदर ना आप लोग जैसे यहाँ पे नाइट होएगा ना, तब आप लोगों को यहाँ पे ना ये स्टेचू देखने को मिलेंगे, ये चमकेंगे स्टेचू। तो आपको क्या करना होगा, पास में जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पे भेड़िया का ना जो आत्मा देखने को मिलेगा, ठीक है। वो आत्मा के पास जाके आपको उसको टच करना है, जैसे आप उसको टच करोगे तब यार ये जो आत्मा है ना, ये ना इसके अंदर घुस जाएगी स्टेचू के अंदर, वो ये लूट देगी। अब आपको टोटल 4 आत्मा आपको ढूंढनी है और 5वीं एक बड़ी आत्मा रहेगी। तो देखो मैंने 2 ढूंढ लिया है, मतलब ऑलरेडी टोटल 3 ढूंढ लिया मैंने, ठीक है। और एक यहाँ पे सामने, जैसे आप लोग ये चौथी वाली को इसके अंदर ले जाओगे ना, तब आप लोगों को एक 5वीं वाली मेन बड़ी आत्मा ढूंढनी, वो कहाँ पे रहेगी, वो जो ये लोकेशन है बीचों बीच रहेगी एकदम, जहाँ पर पेड़ है बड़ा सा। याद रखना टोटल 4 छोटी आत्मा ढूंढनी होगी और 5वीं जो आत्मा रहेगी वो बड़ी रहेगी, मतलब बड़ा जो भेड़िया रहेगा ना वो बड़ी वाली आत्मा रहेगी। तो आपको टोटल 4 और 1 5 आत्मा ढूंढनी रहेगी, और 5वीं आत्मा ढूंढते आपको ना एकदम मैप के अंदर लोकेशन आ जाएगी। अब यार इसके अंदर बहुत सारी है ना चीजें छुपी हुई है। देखो जैसे आप 5वीं आत्मा के पास आके यहाँ पे ओपन क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो बड़ा सा भेड़िया का आत्मा एकदम निकलेगा, पेड़ के इधर राउंड लगाएगा, चारों तरफ घूमेगा। और यहाँ पर जो स्टेचू है ना, स्टेचू के नीचे से यहाँ पे एक सीक्रेट चेस्ट बाहर निकलेगी, ठीक है। ये चेस्ट बाहर निकलेगी तो चेस्ट के अंदर से आप लोगों को बहुत सारी अलग अलग लूट देखने को मिलेगी, चीजें देखने को मिलेगी, जिसमें ना आप लोगों को सेल्फ रिवाइव किट भी देखने को मिलेगा, बट वो थोड़ा नया उसको अपग्रेड कर दिया, उसका लुक चेंज कर दिया। बट एक जो सबसे मेन है क्रिमसम क्रिस्टल, ठीक है। ये क्रिस्टल यूज करोगे ग्रेनेड की जगह जब आप लोग, तब यहाँ पे एक पोर्टल खुल जाएगा। और हाँ, इसका एक टाइम लिमिटेड रहता है, तो ध्यान रखना एक टाइम लिमिट तक ही रहता है। तो जैसे ये पोर्टल के पास जाके चैलेंज पे क्लिक करोगे तो आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा और आप लोग है ना एक नया लोकेशन पे एक नए रूम में पहुंच जाओगे। तो देखो अभी यहाँ पे इनविजिबल वॉल लगी है, बट ऊपर देखो यहाँ पे ड्रैकुला जो बॉस है ना, वैम्पायर का जो बॉस है, किंग है भैया, ये यहाँ पे स्पॉन हो रहा है। इसको ना लिटरली बता रहा हूँ, मारना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, ये एक काफी ज्यादा मुश्किल चैलेंज होने वाला है यार, ये पूरे का पूरा मतलब मैच का पूरे का पूरा मोड का। क्योंकि भैया अगर ये 1 टाइम आए तो इसको आप लोग मार सकते हो, बताओ जब ये 2 टाइम आए तो आप लोग सोलो के अंदर इसको कैसे मार सकते हो। बट कोई दिक्कत नहीं, आपका भाई सोलो में मारने की ट्रिक लाएगा। देखो अभी तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो इसलिए आपको बता रहा हूं कि भैया देखो ये कितना ज्यादा खतरनाक है। इसके पास जो एकदम लोहे का हाथ है ना, वो काफी ज्यादा खतरनाक लेवल का है भाई। तो आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो भाई, यार भाई इसको इतना ज्यादा डैमेज दे देता हूँ, इतना ज्यादा डैमेज दे देता हूँ, लेकिन लिटरली बता रहा हूँ भाई, इसका ना ऑलरेडी मतलब डैमेज बढ़ता रहता, मतलब कुछ ऐसा है कि आप लोग जितना इसको डैमेज देते रहोगे ना, वैसा उतना है ना उसका है ना भाई यार अटैकिंग मतलब पावर बढ़ने वाला, वो आपको ऊपर अटैक करेगा ना तो आपको डैमेज ज्यादा जाएगा एकदम। तो अगर आप लोगों को इसको इजीली किल करने का ट्रिक चाहिए भैया सोलो के अंदर, तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना भैया कि ड्रैकुला बॉस के लिए भैया सोलो ट्रिक चाहिए, तो सोलो ट्रिक लिख देना आप। जैसे ही वहां पे आपको ड्रैकुला बॉस मारेगा तो आप लोग नॉर्मल इरंगल के अंदर फेंक दिए जाओगे, मतलब जो आपको इरंगल प्ले कर रहे थे उस इरंगल के अंदर आपको फेंक दिए जाओगे। अगले जो चेंजेस वो है सेल्फ रिवाइव के ऊपर, तो सेल्फ रिवाइव जो है ना भाई यार यहाँ पे इन्होंने लुक चेंज कर दिया, बट काम इसका वही रहने वाला है, आप अपने आप को सोलो में रिवाइव कर सकते हो। अगले जो चेंजेस हुआ यहाँ पे सील्ड चेस्ट नाम की इधर एक मतलब लूट बॉक्स है, जो कि यार यहाँ पर मैच के अंदर एड करा है, बट मुझे यहाँ पे अभी तक नहीं मिला। अगर आप लोगों को मिला तो नीचे कमेंट करके जरूर से बताना।
अगले जो चेंजेस हुआ वो एक क्रिमसन की। अब यार ये क्रिमसन की बहुत ही ज्यादा काम की और आप लोगों को ना यहाँ पे कई सारी देखने को मिल जाएगी और हाँ आप लोग बैकपैक के अंदर काफी सारी उठा सकते हो। तो जब भी आप लोग क्रिमसन कासल से दूर हो ठीक है तो आप लोग ग्रेनेड की जगह इसको यूज करना। जैसे यूज करोगे तो यहाँ पर एक जादुई चमत्कार एक डोर आ जाएगा, मतलब काफी ज्यादा बड़ा गेट आ जाएगा। इस गेट के अंदर आप हो या फिर एनिमीज हो, आप लोग दोनों इसके अंदर घुसोगे तो भैया जो भी आपके पास में सर्कल के अंदर क्रिमसन कासल देगा वो कासल के अंदर आप लोग टेलीपोर्ट कर दिया जाओगे। और जब भी ये डोर यूज करोगे तो भैया पूरे के पूरे रिंगल मैप के अंदर एनिमीज को भी ये डोर दिखेगा, लोकेशन दिखेगा, तो उनको पता चल जाएगा भैया आप लोग यहाँ पर ये क्रिएट किए हो गेट। अभी एक बात बताना भूल गया था मैं आप लोगों को, जैसे कासल के अंदर आप लोग मेन जो चेस्ट ओपन करोगे इसके अंदर आप लोगों को ना लूट देखने को मिलेगी मिलेगी, बट उसके साथ साथ आप लोगों को चार चार रिकॉल कार्ड देखने को मिलेंगे पूरी की पूरी स्क्वाड के लिए। अब आपको पता है एक बंदा एक ही रिकॉल कार्ड उठा सकता है, तो यार आपकी पूरी की पूरी स्क्वाड के लिए चार चार रिकॉल कार्ड देखने को मिल जाएंगे। और हाँ मेन इंपॉर्टेंट ये जो है ना, जैसे कि जैसे अलादीन के अंदर वर्क करता था, अलादीन मोड के अंदर जिनी स्पॉन करवाते टाइम चार रिकॉल कार्ड मिलते थे और ओशियन ओडेसी मोड के अंदर भी वैसे ही मिलते थे जैसे ट्राइडेंट को निकालते ठीक है। तो सब जो जितना भी है ना सबको सेम वर्क करने वाला रिकॉल वाला पूरा का पूरा सिस्टम जैसे दो अपडेट से चला आ रहा है वैसे ही चल रहेगा। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप लोगों को आईएनडीएसयू चैनल पे कोई नया ग्लिच का वीडियो देखना 3.4 अपडेट का तो यार नीचे कमेंट में जाकर ग्लिच ओपी जरूर लिखना।